जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे आईपीसी एंड सीआरसीपी के बारे में। ये हमारे संविधान का पार्ट है जिसको हम लोग पढ़कर जानेंगे कि आखिर जो पुलिस होते हैं या फिर जो कोर्ट होता है उसमें सज़ा कैसे मिलता है और क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे संविधान की। हमने लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे, संविधान में 22 भाग होते हैं और 395 अनुच्छेद होते हैं। अगर कोई ये पूछता है आपसे कि कितने भाग हैं संविधान में, तो बताइएगा 22 और कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बताइएगा उसको कि 395। क्यों? और दूसरा चीज़ आपको कि अनुच्छेद क्यों दिया जाता है, भाग क्यों दिया जाता है। तो अनुच्छेद इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोगों को किसी भी चीज़ को सहूलियत से निकाल सकें। जैसे आप लोग के बुक में होता है पेज, या फिर कोई सवाल अगर पूछता है तो आप लोग धनाधन क्या करते हैं, पेज को उलटने लगते हैं और बता देते हैं कि इतने पेज नंबर में ये सवाल है। उसी तरीके से हमारा संविधान बहुत बड़ा है जिसके कारण हमें प्रयोग करना पड़ता है भाग और अनुच्छेद का। आइए चलते हैं हम लोग आईपीसी और सीआरसीपी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे आईपीसी का। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बोले तो भारतीय दंड संहिता कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो स्टूडेंट मेनली इसका प्रयोग करते हैं पुलिस लोग। कारण क्या होता है कि किसी को अगर चार्जशीट उनको बनाना पड़ेगा तो पुलिस इसलिए इसका प्रयोग करती है ताकि वो दंड दिखा सके। और सीआरसीपी का प्रयोग वो करते हैं जो कि कोर्ट में बैठते हैं, यानी हम कह सकते हैं उसको जज। अब बात करते हैं कि ये सीआरसीपी होता कितने हैं, तो मेनली देखिए यहाँ पे लिखे हमने सिविल लॉ में तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है हिंदू लॉ, दूसरा होता है मुस्लिम लॉ और तीसरा होता है, ऐसे कह सकते हैं, जो हमारे प्रॉपर्टी बेस पे होती है। तो सबसे पहले देखिए मुस्लिम लॉ। कहेंगे कि सर ऐसा क्यों बता दिया आपने कि एक मुस्लिम लॉ हो गया, एक हिंदू लॉ हो गया और एक प्रॉपर्टी लॉ हो गया। तो सबसे पहले कुछ ऐसे होते हैं लॉ जो कि हिंदू के लिए नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मुस्लिम के लिए नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए तीन तलाक हो गया, तीन तलाक विधेयक ज़्यादातर हम लोग मुस्लिम के यहीं देखते हैं, मुस्लिम लोगों में ही देखते हैं, लेकिन कारण है एक हिंदू में भी तलाक होता है, मुस्लिम में भी तलाक होता है। तो देखिए किसी भी चीज़ का मिसयूज ना हो, इसके कारण हमारा ये जो संविधान है एक कानून बनाया है UCC, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें कि सभी लोगों के लिए सामान्य काम होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग तीन तलाक बोल दें, जैसे कि मिसयूज करने का मतलब है कि फेसबुक पर कुछ लोग डाल देते हैं कि तलाक तलाक तलाक, या फिर इंस्टाग्राम पे डालें, मतलब इसका मिसयूज ज़्यादा अगर किसी चीज़ का मिसयूज होने लगता है तो उसको हमारी गवर्नमेंट बैन कर देती है। इसी के बदौलत हमारा UCC आया हुआ है कि नहीं इसको बैन किया जाए, तलाक ना हो। ऐसा तो हिंदू और मुस्लिम दोनों में होता है। अब देखिए हिंदू में क्या होता है कि अगर कोई लड़का, क्योंकि तलाक दोनों में होना अनिवार्य है, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके साथ कितना भी अच्छा लड़का रहे रह नहीं सकता है, और कुछ ऐसे लड़के मिल जाते हैं जिनके साथ कितनी भी अच्छी लड़कियां हो रह नहीं सकती हैं। इसीलिए तलाक तो होगा ही, बंद तो होगा नहीं, इसलिए सरकार करती है UCC लाई ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों तलाक दे सके, लेकिन उनका प्रोसेस ज़्यादा दिनों तक चले। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लोग होते हैं तलाक देते हैं और तुरंत शादी कर लेते हैं, और हिंदू में क्या होता है कि 10 साल 15 साल कोर्ट में ये जवाबदेही चलती रहती है, तो दोनों को समान देखा गया। अब आते हैं हम लोग सीआरसीपी। तो ये बता दिया हमने हिंदू और मुस्लिम लॉ में डिफरेंस कि तलाक के बदौलत हम लोग कैसे हम डिफरेंस देखते हैं। कई चीज़ ऐसा है जो कि हिंदू लोग मानते हैं, कई चीज़ ऐसा है जो कि मुस्लिम लोग मानते हैं। ये प्रॉपर्टी वाला आता है जिसमें कि हमारा मारपीट ना हो, पैसा रुपया से या फिर खेत वगैरह से संबंध में रखता हो। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो कोई अगर कहें, कुछ लोग होते हैं कि पैसा ले लिया या फिर जमीन हड़प कर लिया, ये सब का केस होता है हमारा प्रॉपर्टी लॉ के अंदर। आते हैं यहाँ पे आईपीसी पे। तो आईपीसी के लिए हमने सबसे पहले बताया कि इसका इस्तेमाल पुलिस करती है, ज़्यादातर करती क्यों है, तो आईपीसी का मतलब ही होता है भारतीय दंड संहिता, यानी जो दंड देने के लिए ही बनी हो। तो इसमें संगनीय अपराध आते हैं, जैसे किसी का अगर मैंने मान लीजिए हत्या करने की कोशिश की या फिर किसी को मार ही दिया, तो जैसे होता है ना, दोनों में बात करें तो धारा आता है आर्टिकल। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि किसी को मारने की कोशिश की, ट्राई टू बी मर्डर, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं 307 धारा की, और इसमें प्रयोग करेंगे अगर हत्या मैंने कर दिया, किसी को शूट कर दिया या फिर गोली मार दिया, तो करते हैं 302 जो कि एकदम प्योरली हत्या के लिए। अब देखिए आईपीसी के अंतर्गत आते क्या है, तो किसी का रेप हो गया, किसी का हत्या हो गई या फिर किसी का बलात्कार हो गया, यह सब आईपीसी के थ्रू में आते हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सीआरसीपी। सीआरसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिविल प्रोड्यूसर कोड, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका प्रयोग ज़्यादातर कोर्ट में करते हैं। अब एक देखिए यहाँ पे हमने लिखा है रिमांड और कमांड, मीनिंग तो गलत है, इसके लिए सॉरी, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिएगा। लेकिन रिमांड और कमांड क्या होता है, तो बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है, अब जज जानता रहता है कि गलती किसकी है। जैसे कुछ दिनों तक केस चलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि गलत कौन है सही कौन है,
तो यहाँ पे करते क्या है, कुछ लोग गलत करके भी अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेते हैं, लेकिन जज कहता है कि नहीं, इसकी चेकिंग करो पुलिस से और अच्छे से इसका कार्रवाई किया जाए। तो जब पुलिस जाती है, उसके खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो जज के पास जाती है, तो जज से कहती है कि मुझे उस कैदी को रिमांड पे दे दीजिए। अब देखिए रिमांड होता क्या है, तो रिमांड उसको कहते हैं जो कि पुलिस रिक्वेस्ट करके जज से मांगे, उसको रिमांड कहते हैं। यानी मैंने आपको सामान कोई दिया और आपसे फिर से मांगे तो उसको कहा जाता है रिमांड। कमांड उसको कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिया, मैं आदेश आपसे कर रहा हूँ, उसको कमांड हुआ, लेकिन रिमांड आग्रह पूर्वक करना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसको सामान दिए उसी से मांग रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 50 रुपया दिया और वो देने के लिए तैयार ना हो, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, मारपीट से तो देगा नहीं, तो उससे क्या है, उससे बहला फुसला कर नहीं चलो मैं तुमको 5 रुपया कम कर देता हूँ दे दो, लेकिन पैसा लेंगे। वही हाल है यहाँ पे, पुलिस क्या करती है उनको रिमांड पे लेगी और रिमांड में अच्छी तरह से धुलाई करेगी, जैसे कि मतलब उनका थोड़ा माहौल चेंज हो जाए, सॉरी, तो उनको बहुत मार मारेगी। अब देखिए एक और कारण होता है रिमांड में, अगर पुलिस ले गई है आपको रिमांड में, तो फिर अगर आपको जज के सामने तो पेश करेगा कबूल करने के लिए, तो अगर आप वहां पे जाकर कहते हैं कि नहीं इसने गलत मुझे मारा है, तो पुलिस यहां तक करेगी कि आपको जज कहेंगे कि नहीं, वहां पे पुलिस को गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पुलिस कहेगी कि अब चल फिर मेरे साथ रिमांड में, और वहां पे तो आपको गाड़ी पलट भी सकती है। अब समझ गए गाड़ी पलटने का मतलब क्या है, यानी कि आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और दूसरा चीज़ होता है, ज़्यादा चीज़ अननेचुरल जब हो जाता है उसमें इनकाउंटर किया जाता है। अब अननेचुरल क्या होता है, अगर किसी के साथ मैंने गैंगरेप कर दिया तो इसमें जज भी जानता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए नेचुरल और अननेचुरल में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।